नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 89 साल पहले आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज का दिन गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर वायुसेना बड़ी धूमधाम के साथ मनाती आई है और आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। वायुसेना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के चीफ और तीनों सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। देश की वायु सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के जाबाजों के कंधे पर होती है। आज के दिन हिंडन एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के कई विमानों के शानदार प्रदर्शन करते हैं। हैरतअंगेज एयर शो का प्रदर्शन भी होता है। आज हिंडन एयर बेस पर देश के पुराने और अत्याधुनिक विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के जवान हैरतअंगेज करतब दिखाकर शौर्य का परिचय दे रहे हैं। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के प्रति लोगों में जागरूकता और देश की हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हालांकि 1932 में देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था, इसलिए उस समय भारतीय वायुसेना का नाम रॉयल इंडियन एयर फोर्स रखा गया था। वहीं आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। तो आज गाजियाबाद से इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और तमाम जो फाइटर जेट हैं, चाहे वो चिनूक हो चाहे वो राफेल हो, वो अपना हवाई करतब हैरतअंगेज करतब करते हुए नजर आएंगे। वहीं आगरा के थाना कमलानगर क्षेत्र में एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने सट्टे बाजार के बड़े माफियाओं को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने सट्टा लगाने वाले लोगों का खाका भी तैयार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार सट्टेबाजों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार सट्टेबाजों को जेल भेज दिया और पूछताछ कर रही है। तो आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सट्टा बाजार में कई सट्टेरियों को गिरफ्तार किया है और सट्टा बाजार के बड़े माफिया ये बताए जाते हैं। छह दस 2021 को मुकदमा संख्या 258/21 जो कि 3/4 जुआ अधिनियम के अंतर्गत लिखा गया था, उसमें मोहम्मद यूनिस नाम का व्यक्ति फरार था, तो उसे कल पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज उसे जेल भेजा जा रहा है। पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये सामने आया है कि ये लोग आईपीएल सट्टा खिलाते थे। उसी दरमियान पुलिस ने रेड करके इसके सहयोगी को उस समय गिरफ्तार किया था, उन्हें जेल भेजा था और इसे अभी गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रकरण में जो अब तक सामने आया है उसके मुताबिक ये विगत 4 वर्षों से ऐसा कार्य कर रहा था और सट्टे के बाज़ार में इसका नाम है, जिससे आप सभी अवगत हैं, और पुलिस इन सब पे कार्रवाई कर आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहती है कि जो भी लोग सट्टा खेलते हैं वो लोग सट्टा खेलना बंद कर दें, क्योंकि उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई होगी। आपके माध्यम से समाज को और सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस जो लोग सट्टा खेल रहे हैं या सट्टा में पैसा लगा रहे हैं, जिन्हें खिलाड़ी कहा जाता है, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए आदतवश या लालचवश कोई भी आदमी अपना पैसा सट्टा में ना लगाए, नहीं तो वो हमारे रडार पे रहेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आगरा में कोरोना काल के बाद से सभी व्यवसाय ठप थे। उसी कड़ी में पिछले 2 साल से गणेश विसर्जन नवरात्रों में रखे जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी नहीं रखी जा रही थी, लेकिन इस साल से सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि लोग अब नवरात्रों का त्यौहार मना सकते हैं, भगवान की मूर्ति को रख सकते हैं। इस आदेश के बाद से मूर्ति विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी है। लोगों का साफ कहना है कि पिछले 2 साल से हम अपना जीवन बहुत मुश्किल से गुजार रहे थे, लेकिन इस साल सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है जिसके बाद से लोग भगवान की मूर्ति खरीदने के लिए निकल रहे हैं। तो आगरा की तस्वीरें आप देखेंगे, सरकार ने त्योहार मनाने की अनुमति दी है और ऐसे में अब विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी देखने के लिए मिल रही है। मूर्ति विक्रेताओं में खुशी की लहर है और मूर्ति विक्रेता तमाम मूर्तियां जो भगवान की हैं वो लेकर रोड किनारे बैठे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, एक से एक मूर्तियां खरीद रहे हैं और नवरात्रों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बिक्री हुई मगर इतना भी नहीं हुआ
हमारा सेल मतलब इतना भी सेल नहीं हुआ, मार्केट में इतना भी धमाका नहीं उड़ा जैसे हर साल उड़ना चाहिए था कोरोना काल की वजह से। अगले साल भी थोड़ा बहुत कम रहा, इस बार भी गणेश भी कम रहा तो इसलिए थोड़ा बहुत कम रहा। ग्राहक आ रहे हैं मगर वही आ रहे हैं, एक दो ग्राहक आ रहा है, उसके बाद ग्राहक कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा छोटी मूर्तियाँ सेल हो रही हैं, बड़ी मूर्तियाँ लोग अब ये बोल रहे हैं कि विसर्जन करने में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ये वाली पसंद नहीं है, अच्छी लग रही है वही, हाँ गर्मी बिटाने के लिए चाहिए। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस छोटी मूर्ति ले रही है, किस वजह से छोटी मूर्ति? गर्मी बिटाने के लिए ले रही है बस, बाहर पंडाल नहीं, नहीं 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 कुछ भी नहीं, सिर्फ गर्मी बिटानी है बस। पहले तो हमने प्रेफरेंस किया था, हम भक्त मंडल समिति से हैं, रामबाग चौराहे से आए मूर्ति खरीदने, पहले हमने मट्टी की मूर्ति का ज़्यादा प्रेफरेंस किया था कि मट्टी की मूर्ति ऑर्गेनिक होती है, उससे जमुना जी को दिक्कत नहीं होती है, हमने मट्टी की मूर्ति ही ली है, ये शेर वाली 5.5 फीट की। ऐसे 19 सितंबर को जो है वो शासन द्वारा जो है गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को जो है फॉलो करते हुए जो है वो त्यौहार मनाए जाएंगे, उसी के दृष्टिगत जो है मूर्ति की स्थापना छोटे पंडालों में की जाएगी, उसकी अनुमति ली जाएगी और उसका विसर्जन का जो है उनका रूट जो है तय किया जाएगा। इसी के दृष्टिगत जो है निर्देश जो है सभी थानों को जो है प्रसारित किए जा रहे हैं और उसी आज से चूँकि शुरुआत है तो आज से ही जो है इस पर जो है नज़र रखी जा रही है कि कोई भव्य पंडाल और कोविड का प्रोटोकॉल का उल्लंघन न होने पाए। वही बलरामपुर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां और इसके अलावा जो झलक है वो दिखाई दे रही है। जिले में पिछले शारदीय नवरात्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पूजा पंडालों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना नहीं हुई थी, जिससे मूर्ति निर्माण में लगे कारीगरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बार मूर्तिकारों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बलरामपुर मुख्यालय पर लगभग एक दर्जन स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण में और बंगाल से आए कारीगर लगे हुए हैं। मूर्तिकारों की तरफ से मूर्ति सज्जा को रंग कर अंतिम रूप दिया गया। इस शारदीय नवरात्र में बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से प्रतिमाओं की बुकिंग कराई गई है। शारदीय नवरात्र को लेकर बाजार में रौनक भी लगातार देखने के लिए मिल रही है। बलरामपुर की तस्वीरें, नवरात्र को लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं और अब रौनक भी बाजारों में दिखाई दे रही है। दुर्गा पूजा को लेकर तमाम मूर्तियां बनाई गई हैं, बाजारों में रखी गई हैं और उपभोक्ता भी जा रहे हैं बाजारों से, इन मूर्तियों को खरीद भी रहे हैं। ऐसे में जो विक्रेता हैं उनके चेहरे पर खुशी की लहर है, क्योंकि पिछले साल इन सभी चीज़ों पर सरकार के द्वारा पाबंदियां लगाई गई थी। ऐसे में उनका कहना था कि उनके व्यवसाय में लगातार उन्हें घाटा देखने के लिए मिल रहा है और बमुश्किल वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इस बार बाजारों में माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ और छोटी से छोटी प्रतिमाएँ देखने के लिए मिल रही हैं और बाजारों में इन्हें रखा गया है, खरीदार आ रहे हैं और बुकिंग भी लगातार कर रहे हैं। देखिए, मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है और शासन की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है और कोविड को देखते हुए मेले की व्यवस्था पूरी चार चौबंद कर दी गई है। किसी भी रास्ते से अगर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक तो जो है उनकी स्कैनिंग होगी, दूसरा इस चीज़ को श्योर किया जाएगा कि वो मास्क लगा के जाए अंदर दर्शन करने के लिए और 2 गज की दूरी बना के रखे। ये जगह जगह पर हम लोगों ने हर पॉइंट पर टीम लगा दी है, प्रशासन के भी लोग रहेंगे, शासन के भी लोग रहेंगे, इसमें मंदिर प्रशासन के भी लोग रहेंगे, सभी लोग मिल के इस काम को जो है कि किया जाएगा ताकि सभी दर्शनार्थी जो भी मंदिर पर आए माता के दर्शन के लिए वो सुरक्षित रहे और सुरक्षित ही अपने घर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स अस्पताल से देश भर के 162 ऑक्सीजन प्लांटों का शुभारंभ किया। वहीं देश के अलग अलग स्थानों पर राज्यों के मुख्यमंत्री, इलाके के मंत्रियों और विधायकों ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। वहीं बिजनौर में भी पीएम केयर फंड से 58 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया। यह ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में बनाया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। जिले में अब तक 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। बिजनौर के धामपुर, सिरोहरा, जिला अस्पताल पुरुष और जिला अस्पताल महिला में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। ऐसे में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और सिर्फ बिजनौर ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं उनको भी इससे राहत मिलेगी। देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाकर ऑक्सीजन प्लांटों का उद्घाटन किया है।
और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक हैं और हिंदुस्तान के स्वास्थ्य जगत में ये मील का पत्थर साबित होंगे और उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। कल को अस्पतालों के अंदर कोरोना कम रहे, ज़्यादा रहे, रहे ना रहे, उसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं आएगी। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ मुल्क है, हिंदुस्तान एक उभरता हुआ मुल्क है और हिंदुस्तान अपने आप को शक्तिशाली बनाता हुआ मुल्क है। ऐसे यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय भारत माता के लाडले लाल प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं, वो भारत को अंदर से भी शक्तिशाली बना रहे हैं और भारत को दुनिया के अंदर भी शक्तिशाली स्थापित कर रहे हैं। बिजनौर में जो प्लांट का उद्घाटन किया गया है, कितनी क्षमता का जो ये ऑक्सीजन प्लांट है, ये भी उन्हीं 1100-1200 जो प्लांट आज उन्होंने शुरू किए उनमें से एक। हरदोई के शाहबाद कोतवाली के सामने पति पत्नी और उनके परिजनों के बीच सुलह समझौते से पहले ही कोतवाली गेट पर जमकर मारपिटाई हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरदोई का ये पूरा मामला, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझौते से पहले ही कोतवाली गेट के सामने मारपिटाई परिजनों और पति पत्नी के बीच जो विवाद हो रहा था इसको लेकर देखने के लिए मिली है। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस के कुछ कर्मचारी पहुंचे, बीच बचाव कराया है और दोनों पक्ष के लोगों को कोतवाली ले आई है। हमारे राजू सुला कर अगर चाहिए तो लड़की नहीं छोड़नी और ना लड़का दिवाज हो जाए, दो ही बात पता नहीं। तो मारपीट हुई क्या भैया? मारपीट साथ की रहो, साथ से पर लड़की छीनने लगी तो साथ कायदा हो देती बात छीनती आई तमाम दौड़ो लौड़िया हमारी मारने लगो, तब हमारा लड़का बिन दो। अब आप लड़का गलती समझो या हमारी समझो। थाना साहबाद में गेट के सामने साले और बहनोई दोनों में विदाई को लेकर के आपस में बातचीत हो रही थी, इसी बीच में मारपीट हो गई, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और पुलिस को जैसे सूचना मिली इसमें तत्काल उनके खिलाफ निर्धारण कार्रवाई की गई है। इसमें 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अन्य तथ्यों की पुलिस जांच कर रही है। हरिद्वार में हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम व्याख्या संस्था अंजुम गुलामा ने मुस्तफ़ा सोसाइटी की तरफ से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सोसाइटी कई कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता में जानकारी दी गई। संस्था के जनरल सेक्रेटरी शादाब कुरैशी ने बताया है कि हमारी संस्था ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर कई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस साल भी आने वाले 10 और 11 अक्टूबर को भी कई सामाजिक कार्यक्रम किए जाएंगे और 19 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलूस भी निकाला जाएगा, जिसमें प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। अंजुमन उलामा मुस्तफा सोसाइटी एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है जो जिले के मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था है। ये महीना प्रॉफेट मोहम्मद के जन्म दिवस का महीना है, जिसको रबी अव्वल कहा जाता है और इस महीने अंजुमन बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का आयोजन करती है, जिसमें मुख्य रूप से रक्तदान शिविर, पीस कॉन्फ्रेंस और जुलूस ईद मिलादुन्नबी रहता है। उन्हीं आयोजनों की जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ आए कि आपके माध्यम से जो है शहर के लोगों को समस्त जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम जो मुख्य रूप से रहेंगे वो सर्वप्रथम जो है 10 तारीख को रक्तदान शिविर रहेगा वर्धा अकेडमी स्कूल अहबाब नगर ज्वालापुर में। उसके बाद 11 तारीख को एक पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, जिसका मुख्य विषय जो है वो ये है पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रेम, मोहब्बत और इंसानियत के अलमबरदार। इस विषय पर कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन होना है, जिसमें मुख्य रूप से श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और दरगाह सहर पाक के सजादा नशीन अली मंजर राजा सावरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। हरिद्वार के बहेल कर्मचारी संगठन बीएमकेपी इंटक से भेल यूनियन महामंत्री राजवीर सिंह के नेतृत्व में भेल मेन गेट पर सैकड़ों भेल कर्मचारियों के साथ अपनी 19 सूत्रीय मांगों, कॉरपोरेट और स्थानीय मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रबंधन पीपीपी और एसआईपी बोनस के लिए उदासीन बनी हुई है
उन्होंने कहा कि हमारे मजदूर साथी मेहनत करके हर साल उत्पादन लक्ष्य को पूरा करते हैं और जब पीपीपी और एसआईपी देने का समय आता है तो पैसों की कमी का बहाना बनाकर उसे बंद करने की बात करते हैं। मजदूरों के साथ हमेशा अन्याय होता आया है, अधिकारियों के खर्चे बराबर चालू रहते हैं, उनमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाती। देखिए साथियों, ऐसा है, पिछले कुछ समय से प्रबंधी का वित्तीय नुकसान का बहाना लेकर मजदूरों की समस्त जो सुविधाएं हैं उनको बंद करती जा रही है और संगठनों का उस पर कड़ा विरोध है। मुख्य रूप से पिछले वर्ष से पीपी और बोनस जो मजदूरों के काम के उपरांत दिया जाता है वो प्रबंधिका ने पूरी तरह से बंद किया हुआ है। मात्र ये बहाना है उन पर कि पैसे की कमी कंपनी के पास है, लेकिन अधिकारियों के जो अपने खर्चे उनमें कहीं पर भी कोई कटौती नहीं है। अपने खर्चे बराबर कर रहे हैं लेकिन मजदूरों की कटौती, चाहे ओवर टाइम की बात हो, चाहे इंसेंटिव की बात हो, चाहे नाइट अलाउंस की बात हो, पीपी की बात हो, बोनस की बात हो, ये तमाम समस्याएं हैं। इसके अलावा भी कई समस्याएं हमारी ऐसी हैं। अभी हमारे कोरोना के कारण कर्मचारियों के कुछ की डेथ हुई थी, वो डेथ होने के उपरांत उनके परिवार सड़कों पर आ गए थे। खैर, 5 साल की कुछ राहत प्रबंधिका के द्वारा हमारी डिमांड पर दी गई है, उनको कुछ पैसा भी देना, 25,000 से 50,000 तक देना शुरू किया है और उनके आवास भी 5 साल तक फ्री रहेंगे। हमारी डिमांड यही कि ये उनकी रिटायरमेंट तिथि तक जारी रहना चाहिए और साथ ही ये सुविधा उन कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए जो कर्मचारी किसी और कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार की भी वही स्थिति रहती है जो कोरोना के कारण डेथ होने के बाद उनके परिवारों की होती है। तो सबको ये सुविधा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक मिलती रहनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई समस्या, हमारा जो न्यू ईयर गिफ्ट का मामला है वो लंबित है, उसे तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाकर उसे वितरित किया जाए। मान्यता के चुनाव होना नितांत आवश्यक है, जिसका समय पूरा हो चुका वो चुनाव तत्काल प्रभाव से हो जाने चाहिए। ये चुनाव क्यों नहीं करा रही प्रबंधिका, ये हमें नहीं समझ आ रहा। मेरा संगठन नंबर वन संगठन, ये अधिकारी बोल चुके कि हर स्तर पर उठा रहा है और हाँ भी की थी प्रबंधन ने, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। कुछ साथी मेरे उसमें साथियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैंने आज उन साथियों को स्पष्ट रूप से बताने का काम किया, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आपके संगठन की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहता है वही करता है। मेरे एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद एक कर्मचारी को, एक उसके आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए, वो नौकरी अब तक नहीं हो पाई। कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत को उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी जाने से रोकने के लिए सितारगंज पुलिस की तरफ से उन्हें रोकते हुए हिरासत में ले लिया गया। रंजीत रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर खीरी में हिंसा का शिकार हुए पीड़ित किसानों के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रंजीत रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। देश का अन्नदाता लगभग एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और लगभग 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी मांगों के समाधान को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारी मांग है कि जो जिस तरह से गृह मंत्री का बयान आता है पहले कि किसान सुधर जाए नहीं तो हम उनको ठीक कर देंगे, उसी के अगले दिन जो है उनके पुत्र द्वारा शांतिपूर्वक मार्च कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदा जाता है और एक किसान को गोली मार दी जाती है और जो है अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगना नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये सारे विरोध हैं, जो भी होगा आगे जहाँ तक जाया जाएगा जाएंगे, नहीं तो यहीं अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सिद्धार्थनगर में कुरहुआ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई की गोली मारकर हत्या की खबर सुनी। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक कमरूज अजमा ने हमेशा की तरह सुबह मस्जिद में नमाज अदा की, लोगों ने उनकी अजान देने की आवाज भी सुनी। अजान के कुछ देर बाद लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, लोगों ने इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद जब और नमाजी मस्जिद में आए तब उन्हें घटना की जानकारी हुई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। घटनास्थल पर मौजूदा अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने दावा किया है कि घटनास्थल से पुलिस को अहम सबूत मिले हैं और जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में भी होंगे। ये रोज के मुताबिक 4 बजे फजर की अजान दे रही है। अजान देने के बाद मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद कुरान शरीफ की तलावत करते हैं, ये रोज की बात है इनकी।
फिर इसी बीच में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जो गांव में जितने लोग जग रहे थे मैक्सिमम लोगों ने इस बात को सुना, इस आवाज़ को सुना, लेकिन लोग ये जान रहे थे कि कहीं कोई ट्रांसफार्मर दग गया, स्टेबलाइजर दगा या कोई बॉक्स वगैरह ऊपर से गिर गया, ऐसा लोग कह के। फिर उनके भाई सगे भाई फिर आए, और ये करीब 4:45 बजे की बात है, वो आए अंदर गए मस्जिद में, देखा उनको कि वो बिल्कुल सजदा के स्वरूप में वो ज़मीन पर लुढ़के हुए थे, बल्कि उन्होंने डांटा बोला कि क्यों इस तरह आके सो रहे हो, क्या हो गया, उठो। लेकिन अब वो गोली लग चुकी थी उनके गर्दन के नीचे, गर्दन पे वो मर चुके थे, वो बोले नहीं कुछ। फिर देखा उसने, हिलाया उलाया, फिर गांव के एक इस्लाम नाम करके आदमी आए, वो देखे, दोनों मिलके गांव में हल्ला वल्ला किए, तब तमाम लोग, हम सारे लोग तब पहुंचे घटना स्थल पर, देखा गया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जनपद सिद्धार्थ नगर का थाना चिलिया है, उसके कोल्हुआ गांव में एक मस्जिद है जिसमें एक कमरुज्जमा नाम के व्यक्ति हैं, लगभग 55 साल उम्र है इनकी, और प्रतिदिन की तरह ये नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, और ये नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए थे, और पीछे से आ करके किसी ने फायर करके इनकी हत्या कर दिया। इसमें सूचना मिलने पर तत्काल हमारी स्थानीय पुलिस, हमारे क्षेत्राधिकारी सौरतगढ़, क्षेत्राधिकारी सदर और पूरे SO मोहाना कपिलवस्त्र और पूरी टीम हमारी यहां पर पहुंची है। आसपास हम लोगों ने सभी सैंपल कलेक्ट किया है, हमारी फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किया है, और क्राइम सीन से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, और बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं, और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी हो गई है किसने घटना किया है, और बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। सहारनपुर के देवबंद में स्थित माता बाला सुंदरी देवी सिद्धपीठ मंदिर में आज शारदीय नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। माता बाला सुंदरी के इस मंदिर में हर साल क्षेत्र और शारदीय नवरात्रों में कई राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन 2 साल से कोरोना काल के चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। कोरोना अब धीरे धीरे खत्म हो गया है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं का भी माता के दर्शनों के लिए आना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि महाभारत काल के समय पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं बताया था, और अर्जुन ने माता की आराधना कर विजयी भव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। कोरोना काल के बाद नवरात्रि शुरू हुए हैं, थोड़ा यात्रियों की कमी है, कम यात्री आ रहे हैं, सामने सैनिटाइजर मशीन लगा रखी है, फर्श पे गोले बनाए हुए हैं, आंध्र प्रदेश के लिए हमने यात्री दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर माता बाला सुंदरी पिंडी रूप में विराजमान है, माता स्वयं प्रकट है, मंदिर सिद्ध पीठ माता है, वो महाभारत कालीन मंदिर है, एक लिपि लगी है बाहर, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी किस भाषा में, अगर वो पढ़ी जाए तो इससे इतिहास मंदिर। माँ भगवती की आराधना शुरू हुई है, और सभी अपने घर में ज्योत जलाएंगे, माता भगवती के मंदिर से ज्योत लेकर जाएंगे, अपने घर में 9 दिन की पूजा करेंगे, और माँ भगवती की आराधना करेंगे, माँ शक्ति की आराधना करेंगे, और सनातन धर्म की जो परंपरा है उसे पूर्ण रूप से निभाने का काम करेंगे। जिस तरह से कोरोना काल था, 2 साल से नवरात्रों पर ना मेला लगता था ना श्रद्धालु आते थे, इस बार आ रहे हैं, क्या करेंगे? कोरोना काल में सिस्टम बिगड़ चुका था, लेकिन जो हमारे सनातन धर्मी हैं उन लोगों ने घर में रहकर ही अपने कोरोना काल में पूजा की है, और माँ भगवती से प्रार्थना की, हे माँ भगवती, जो ये कोरोना महामारी अपने देश में फैली हुई है इसे समाप्त करे, और लगा राम राम से सहज सहज वो कोरोना काल समाप्त की ओर है, और भगवती के जो भक्त हैं और मैं अपने मंदिर पर आने का काम कर रही हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे, इस दौरान वो गांधीनगर जिले के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्र के मौके पर एक मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन भी कर सकते हैं, इस बात की जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई है। अधिकारियों की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह यहाँ पहुँचने के बाद दोपहर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे, स्टेशन के परिसर में स्थित चाय की दुकानों को महिला स्व सहायता समूह की ओर से बनाए गए मिट्टी के कुल्हड़ों का भी वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर जिले के कलौला तालुक में पनसर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी कर सकते हैं, और वहां पर लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं, इसी जानकारी मिल रही है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।